गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7:15 बजे शायद, और इस पेड़ पर सांप आया है। चन्नमनगर एरिया में हूँ और सुबह सुबह सर आपको सुबह सुबह कैसे सांप दिखाई दिया ये? ओ, मेरे पापा को दिखाई दिया पहले। पता निकाल रहे थे ना। निकालने के लिए आए थे? तभी दिखाओ। अच्छा, मतलब रात में आके बैठा होगा, आपको पता नहीं रहेगा? पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। उधर आप कैमरा पकड़िए, अभी देखते हैं कहाँ पर बैठा है। ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, बोल रहे। तो कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी आके सांप बैठ जाते हैं, उनका कोई आता पता नहीं बता सकते, और कभी रहेंगे जाएंगे ये भी नहीं बता सकते। देखते हैं कौन सा है। बहुत सारे डाउट्स है। धामन रहेगा, ढोरिया रह सकता है, और पेड़ पर रहने वाले खास उधर से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? किधर से? किधर दिख रहा है? मैडम बोल रही दिख रहा है, अभी तो हमें नहीं दिख रहा है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात, सोचा भी नहीं होगा किसी ने। और मुझे भी डाउट लग रहा था, वाइपर का तो सीजन शुरू है, लेकिन यहाँ पर आके इस तरह से बैठेगा? ये देखिए कितना बड़ा सा, सोच भी नहीं सकते कि आप कड़ी पत्ता निकालने सुबह सुबह जा रहे हैं और खतरा पेड़ पर बैठा है, कड़ी पत्ते की जगह पर। चीज तो खाने की है, लेकिन वो मरने की भी हो सकती है। अगर इस तरह ये सांप बैठा है और आपके ऊपर हमला चढ़ता है तो सांप, देखिए कौन सा सांप, मतलब पेड़ पर रहने वाले सांप आमतौर पर आके बैठ जाते हैं ये तो हम सोच लेते हैं, लेकिन ये घोना सांप इस तरह से आके बैठेगा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब मैं पकड़ने वालों की बात करूंगा तो भी उनको तजुब लगेगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। ये देखिए इस तरह से बैठा हुआ है। और ये सब मैंने तो पेड़ पर रहने वाला या धामन गलती से गया होगा, कुछ सोच नहीं पाते इतनी जल्दी कोई आता है तो। और ठीक है कि नीचे वगैरह सांप बैठा है तो कोई भी किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन घोनस पेड़ पर चढ़ा होगा और आराम इस तरह से बैठा होगा ये नहीं मैंने मतलब सोचा था। और इस तरह से ये देखिए आगे निकलने के, और पूरा नीचे भी गिर सकता है क्योंकि उसको ये देखिए किस तरह से हरकतें कर रहा है, उसको ग्रिप नहीं मिल रही पेड़ पर। इतना बड़ा सांप दिखने के लिए अजगर जैसा दिखता है, लेकिन अजगर नहीं। ये देखिए लेवल पर मैं हूँ, अभी मत घबराइए, मेरे हाथ में अभी तो उड़के नहीं कटेगा ना। देखिए ये सब पूरी जगह प्लेन है, उधर थोड़ा सा खेती जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन घोनस इसके पहले भी हमने पकड़े हैं। और जो पेड़ है थोड़ा सा दिखाइए, कड़ी पत्ते का पेड़ है, मतलब ये कंपाउंड में आया होगा और कंपाउंड से उस पर पेड़ पर चढ़ा है। यहाँ पर झाड़ी झंकाड़ वगैरह नहीं है। हमेशा मैं दोहराता हूँ कि पेड़ पत्थरों का ढेर है, ईंटों का ढेर है और झाड़ी है, तो वहाँ पर ही सांप रहता है। घोनस अभी कहाँ पर भी सफ़र करता है, मतलब मादा के पीछे घूमता रहता है, मादा भी निकलते बाहर, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सोच सकते हैं, इसलिए बाहर का ओपन जगह में दिखा रहा हूँ। काफ़ी बातें और भी करनी है इसके साथ में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये अभी खुशी की बात है कि ये खतरा टल गया, मैं पकड़ा इसलिए खतरा नहीं टला, उन्होंने देखा इसलिए टला। सही है ना? क्योंकि मैंने उनको फ़ोन नहीं किया है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया सांप दिखने के बाद। और ये हरकत है और इतने इरादे इसके खतरनाक होते हैं जब इंसान नज़दीक जाता है, जैसे कि मामूली सांप दिख रहा था, पता नहीं कैमरा में कितना आया, सर थोड़े से भाग गए मैं जब आवाज़ करने लग गया, डर गया आवाज़ से ही। लेकिन ये तकरीबन 5 साल का सांप है, घोनस है, मादा के लिए बहुत ज़्यादा इस सीज़न में बाहर निकलते हैं, किसी भी वक्त कॉल आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर के लेवल पर वो पेड़ था और वहाँ तक चढ़ा था, मतलब मोटा ये सब भारी सांप रहता है तो इतना ऊपर नहीं चढ़ सकता ऐसा लगता है। लेकिन सांप देखो कहाँ पर भी किस तरह से आ सकते हैं, मतलब खतरा हर जगह पर किस तरह से बना होता है आप सोच भी नहीं सकते, जैसे मैंने नहीं सोचा था। तो ये बातें बहुत ही मायने रखती है। घोनस मादा के लिए बाहर निकलते हैं और तकरीबन अभी भी 2 महीने का सीज़न है, तो मतलब सीज़न जो हमारे मुँह से आप सुनते हैं लगातार, ये सीज़न होता है। और मतलब मादा एक विशेष प्रकार का स्त्राव अपने गुदा से छोड़ती है और उसी जाति का नर उसको सूंघ के उसके पीछे आने की संभावना रहती है। मतलब खतरा इसलिए आगे है क्योंकि मादा अगर है तो दूसरे मेल भी अगर है तो यहाँ पर आ सकते हैं, तो संभल के रहना ज़रूरी है। वैसे भी रहना ज़रूरी है, जो वीडियो देख रहे हैं सिर्फ सांप दिखने के बाद डरना, ये डर नहीं होता है।
नहीं देखने से पहले हमें अलर्ट रहना, सांप कहीं पर भी होता है इसका ध्यान ख्याल रखना, खासकर छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए खेत खलिहानों में लोग रहते हैं तो वहाँ पर कितना खतरा बना सकता है अगर ऐसी जगह पर आता है तो। घोनस को हिंदी मराठी में घोनस कहते हैं, अंग्रेजी में रसस वाइपर कहा जाता है। पैट्रिक रसेल ये जो साइंटिस्ट है उनका उनका जो सांपों के लिए योगदान है रिसर्च के लिए, उनकी याद में इस सांप को रसस कहा गया है। बदकिस्मती है क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ये पाया जाता है, लेकिन साइंटिस्ट के बाहर के लोगों का नाम रखना पड़ा है। हमारे देश में भी रिसर्च और अध्ययन होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जाति के सांप और मतलब विविधता से भरा हुआ हमारा देश है और सांपों में भी हमारे इधर कोई कमी नहीं है। रसल वाइपर चूहे उसको ज़्यादा पसंद होने के कारण मनुष्य के इर्द गिर्द में दिखना बहुत ही मामूली हो जाता है और इसलिए हमारे नज़दीक पहुंच जाते हैं। देखिए मैं अपने काम से यहाँ पर आया हुआ था और इनका फ़ोन आया, इसलिए मेरे पास प्रॉपर जो स्टिक है वो नहीं दिखाई दे रही है और जो स्टिक है वो हमने पकड़ उससे ही काम चला लिया और इसको इस तरह से पकड़ लिया है। तो जहाँ पर है वहाँ से हमें आना पड़ता है, तो कभी कभी प्रॉपर चीज़ें हमारे पास नहीं रहती है और उसी से काम चलाना पड़ता है। उसको देख के आपको जाके नहीं पकड़ना है, तो ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। उसके लिए ना हम प्रेरित करते हैं ना प्रोत्साहित करते हैं। सांप दूर से अच्छे हैं और उनको दूर से जाना देना चाहिए, बिना वजह नहीं डरना चाहिए और डर के नहीं मारना चाहिए। इंसान की जाननी चाहिए जानी चाहिए और अज्ञान से हम उसको नहीं मारना चाहिए, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं। इसका गलत मतलब या इसकी नकल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन सांपों को बचाने का जानकार देने का डर दूर करने का सफर जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहते हैं, कीमती वक्त देते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।